आज हम बनाएंगे साबूदाना के लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम साबूदाना, 100 ग्राम गुड़। गुड़ को हमने ग्रेट करके लिया है, इसकी जगह आप शक्कर का भी यूज कर सकते हो। 4 चम्मच हमने घी यूज किया है। सबसे पहले हमने गैस चालू करके पैन रखा है। पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे। साबूदाना को हम 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने मिक्सर का जार लिया है, अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे और अच्छे से बारीक इसको पीस लेंगे। साबूदाना को अच्छे से हमने पीस लिया है। अब हम गैस चालू करके फ्राई पैन लेंगे। पैन अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें 3 चम्मच घी डालेंगे। अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें साबूदाना का पाउडर डालेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे अच्छे से। साबूदाने का पाउडर अच्छे से भुन गया है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से फैलाएंगे। इसी में हम गुड़ डालेंगे। आप इच्छा अनुसार इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इसे हल्का गर्म रहते ही हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार हम और भी लड्डू बना के लेंगे। फटाफट बनने वाले व्रत के लड्डू तैयार हैं। आप भी आपके घर पे बनाइए और मजे से खाइए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।